अब हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो टॉपिक नंबर 7.6 है, और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्लीज़ इसे ध्यान से हमने समझना है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ये डेफिनेशन क्या है। When an object is totally or partially immersed in a liquid, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से या कुछ आधा लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, यानी डुबोया जाता है। एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट यानी उछाल की फोर्स इसके ऊपर लगती है। आप ऑब्जर्व करके देख लें कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं पानी में तो वो ऊपर की तरफ उछलता है। एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, और वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग उसके अंदर डिप करते हैं वो क्या करता है, वो अपनी जगह बनाता है पानी के यानी लिक्विड के अंदर। और किस तरह अपनी जगह बनाता है, वो उतने हिस्से से पानी को साइड पे कर देता है, पानी ऊपर की तरफ राइज अप हो जाता है, और उतना जितना वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का वो उसके अंदर सारा डिप हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्राम में पहले समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है, ये एक कंटेनर के अंदर सारा लिक्विड है, दिस इज़ द कंटेनर, और ये एक ऑब्जेक्ट जिसका एरिया हमारा ए है उसको डिप किया गया है लिक्विड के अंदर। ये ब्लू कलर का पानी है, जैसे इसको लिक्विड के अंदर डिप किया गया, क्योंकि हमने अंदर की तरफ डिप किया, ये हमारा एक्शन था। एज अ रिएक्शन इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी जो एफ से दिखाई गई है, जो इसे ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे। अब इसकी हाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइड पे उसने क्या बताया हुआ है। सबसे पहले उसने कहा है कि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, लेवल से लेकर लिक्विड की डेप्थ तक की जो हाइट है वो उसने h2 बताई हुई है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसे उसने h कहा हुआ है। और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको उसने h1 कह दिया हुआ है। या यही बातें अब वो नेक्स्ट जो कंसिडर वाला पैराग्राफ है, कंसिडर वाला पैराग्राफ ये वाला, इसमें देखते हैं उसने क्या लिखी हुई है। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड। समझें कि हमने एक ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट h थी और उसका एरिया कैपिटल A था, उसे पानी के अंदर इमर्स किया है। Let h1 and h2 be the depth on the top and bottom of the faces of the cylinder respectively from the surface of the liquid. अब हमारे पास h1 और h2 जो हैं वो surface of the liquid से पानी की depth तक की जो है वो डिस्टेंस है या हाइट है। किस तरह से, सो दैट h2 माइनस h1 इज़ इक्वल टू h। अब उसने कहा, दोबारा मैं डायग्राम से समझा देती हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरह से हम लोगों के पास h आता है, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास h है, ये किस तरह आया। अगर हम h2 में से इस वाले h1 को निकाल दें तो जो बाकी बचता है वो हमारे पास सिर्फ h बचता है, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई है। फिर उसने बताया, इफ़ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर एट द डेप्थ h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली एंड रो इज़ द डेंसिटी, देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन P1 इज़ इक्वल टू रो जी h1 एंड P2 इज़ इक्वल टू रो जी h2। ये प्रेशर का फॉर्मूला इसने लगाया जो हमने प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स में कैलकुलेट किया था, पिछला वाला सबसे जो टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड का फॉर्मूला रो जी एच होता है। तो ये रो जी h1 एंड रो जी h2, ये दो प्रेशर्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फ़ोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है। लेट दी फोर्स F1 बी एग्जर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर P1 एंड द फोर्स F2 बी एग्जर्टेड एट द बॉटम ड्यू टू द प्रेशर P2। यानी दो फोर्सेस हैं। अब हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। हमें याद है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स बन जाएगी हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया के। तो हमारे पास अब दो फोर्सेस हैं, उनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर देखें, F1 के लिए P1 इंटू ए एंड F2 के लिए P2 इंटू ए, क्योंकि एरिया तो उस ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। तो P1 की वैल्यू रोजी H1 और P2 की वैल्यू रोजी H2,
तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए F1 के लिए रो जी एच वन इंटू ए एंड F2 के लिए रो जी एच टू इंटू ए। किया क्या है यहाँ पर हम लोगों ने, जो प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे दोनों प्रेशर्स में पुट कर दी थी। ओके जी, उसके बाद हमने क्या किया कि फोर्सेस को आपस में यानी F2 में से हम लोगों ने माइनस किया F1 को यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से अब क्या होगा कि हमारे पास जो A है, ए चीज़ ए, वो कॉमन है इसमें, रो जो है यानी लिक्विड की डेंसिटी जो है वो भी कॉमन है, और इसमें से जो जी है वो भी हमारे पास कॉमन है, तो रो जी और ए को हम बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा H2 - H1, ठीक है। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो चीज़ थी ये जो हमारी चीज़ है ये हमने कॉमन ले ली और ये H2 - H1 इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब पीछे जो हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन, हमने कैलकुलेट की थी पीछे के H2 - H1 इज़ इक्वल टू H, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट की गई तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह आ गई, यूँ रो जी ए और ये H2 - H1 की जगह हमने H को पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये जो A इंटू H है उसको हमने V से रिप्लेस कर दिया, विच इज़ द वॉल्यूम। और हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स के लिए जो फॉर्मूला आ गया वो रो जी वी था। रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी को शो करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो रो होता है, और जो हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है वो कैपिटल डी होता है। तो ये हमारे पास रो जी वी आ गया। हेयर ए एच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। ये हमारे पास आर्शमिडस प्रिंसिपल था, और नीचे इसी आर्शमिडस प्रिंसिपल की एग्जाम्पल गिवन है। अ वुडन क्यूब ऑफ द साइज 10 सेंटीमीटर ईच हैज़ बीन डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर। कैलकुलेट दी अप थ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट। हमने अप थ्रस्ट फाइंड करनी है। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला है रो जी वी, जिसमें उसने यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, ठीक है। लेंथ को हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ यानी लेंथ का क्यूब ले लेंगे अगर, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करके सिंपली आंसर निकाल लेंगे जो 10 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक है, उसे भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज का लेक्चर लेट हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये आज का और कल का मैं आपको इकट्ठा दे देती हूँ। यहाँ पर उसने बात की हुई है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अब हम किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। आर्शमिडस प्रिंसिपल इज़ आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेशियो इन द वेट्स ऑफ द बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वेट इज़ इक्वल। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक अगर हम एक पत्थर लेकर उसका वेट करते हैं आमतौर पर रूम में खड़े होकर एयर में उसका जो वेट करेंगे वो जो है वो कुछ और होगा, और अगर हम उसी पत्थर को पानी में डिप कर देंगे और उसके बाद उसका वेट करेंगे तो वो जो है वो कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट लॉस इन द वेट। अपेरेंट लॉस का मतलब क्या होता है कि असल में तो वेट कम नहीं हुआ होता, लेकिन जो है इट अपेयर्स कि उसका वेट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अगर हम उसी पत्थर को अगर कभी पानी में फेंकें तो वो बड़ा हल्का फुल्का सा तैरता हुआ नज़र आता है, बेशक वो एक भारी हो। इसको हम लोग अपेरेंट लॉस कहते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने कहा है आर्शमिडस प्रिंसिपल इज़ आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर्शमिडस प्रिंसिपल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। द रेशियो इन द वेट ऑफ अ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ एज सेम एज देयर डेंसिटीज़। तो अगर हम लोग उस एक ऑब्जेक्ट को एयर में अगर उसका वेट करें और एक ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग लिक्विड में वेट करें और फिर उसका रेशो ले लें तो क्या होगा, उसका जो रेशो है उस
से हम लोग उसके इक्वल वॉल्यूम और उनकी डेंसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू डी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को शो किया गया है रो से। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डब्ल्यू वन है, और जो वेट जो है ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको उसने डब्ल्यू से शो किया हुआ है, और उसने डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू किया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू टू वाला वेट जो होगा वो बाद वाला वेट होगा जो हम लोगों ने उसको लिक्विड में किसी भी चीज़ को डालने के बाद फाइंड किया है। डब्ल्यू टू इज़ द वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। अकॉर्डिंग टू द आर्शमीडस प्रिंसिपल डब्ल्यू टू इज़ लेस दैन एक्चुअल वेट। अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को पानी में डिप कर देते हैं तो उसका वेट थोड़ा हल्का हो जाता है, इसको हम अपेरेंट लॉस इन द वेट कहते हैं कि वो पानी में डिप होने की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो हकीकत में जो है वो कम हो जाएगा, उसे वापस आप हवा में निकाल के वेट करेंगे तो वो आपको उतना ही वेट देगा। तो पानी में डिप करने की वजह से उसका वेट चीज़ों का जो है वो कम हो जाता है। तो जब हम इन दोनों का रेशो लेंगे, जैसे हमने ऊपर कहा है द रेशो ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, तो हम लोग उसके साथ साथ वेट ऑफ द बॉडी और साथ साथ उसकी डेंसिटीज़ का रेशो ले लेंगे, तो उससे हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी भी आ जाएगी। तो डी डिवाइडेड बाई रो इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। एंड क्या हुआ, रो को दूसरी साइड पर ले गए फॉर्मूला में, रेशो ली। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये दोनों वेट्स की, डब्ल्यू वन जो था वो वेट था इन दी ऑब्जेक्ट था इन दी एयर, और ये जो डब्ल्यू था ये बाद वाला था जब उसको पानी में डिप किया गया तब का। अच्छा, इन दोनों की हमने डेंसिटी ले ली। डेंसिटी को लेने के बाद ये रो का हम उधर ले गए, वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हमने पढ़ा है कि डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, वेट ऑफ द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये हमारा फार्मूला डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आ गया। तो यहाँ तक ये जो सारा आर्शमीडस प्रिंसिपल का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है उस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है, द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन द एयर इज़ 0.48 न्यूटन, इट वेट इन वाटर इज़ 0.42 न्यूटन। यानी डब्ल्यू वन जो है वो 0.48 है, डब्ल्यू टू जो है वो 0.42 है, डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है वो 1000 होती है। तो एक्चुअल डेंसिटी फाइंड करनी है, फार्मूला लगाएं डी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू रो, और वैल्यूज़ पुट करें आपका आंसर आ जाएगा।